तो चलिए विस्तार से बात करते हैं पहली खबर की। दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग से जाने के लिए रोकने वाली फाइल, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इस फाइल को रोका गया है एलजी की ओर से। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी एलजी हाउस पर प्रदर्शन करने वाली है। उपराज्यपाल आवास के बाहर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन होगा और मांग की जाएगी कि एलजी जो हर काम में अड़चन लगा रहे हैं वो अड़चन ना लगाएं, बाधा ना बने, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने बार बार यही कहा कि बीजेपी अड़चन लगा रही है, एलजी के जरिए बाधा बन रही है, एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश हो रही है, फिनलैंड जैसे विश्वविख्यात एजुकेशन सिस्टम से सीख लेने की प्रेरणा अगर हम अपने टीचर्स को देते हैं तो इससे एलजी को दिक्कत क्या है। हालांकि इस पर एलजी की ओर से कहा गया है कि इस तरह की कोई फाइल खारिज नहीं की गई है। एलजी आवास की ओर से ये बात साफ कही जा चुकी है कि उन्होंने इस तरह की कोई फाइल खारिज नहीं की है। हालांकि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हम ऐसी फाइल फिर से भेजेंगे एक बार और कोशिश यही होगी कि फिर से एक बार उसका रिव्यू किया जाए। तो एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होने वाला है और एलजी पर आरोप यही कि उन्होंने फिनलैंड जाने से टीचर्स को रोका है। मार्च में एक और प्रशिक्षण फिनलैंड में होने वाला है जहां पर टीचर्स को भेजा जाना है और उसे लेकर इस बार एलजी और आम आदमी पार्टी में रार आ गई है। मेरे सहयोगी मुझसे थोड़ी ही देर बाद जुड़ेंगे, जानकारी देंगे कि एलजी आवास के बाहर किस तरह से अभी स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि समय तो दोपहर 3 बजे का रखा गया था। दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचने वाली थी, तो इस वक्त वहां पर कौन कौन पहुंचा है, कितने लोगों की मौजूदगी वहां पर है, किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, एलजी को किन मुद्दों पर घेरा जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि इस प्रदर्शन के ठीक 1 घंटे के बाद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की बातचीत होगी तो वो बातचीत क्या होगी, दोनों के बीच किन मुद्दों पर बात होगी, क्या वो टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर बात करेंगे या फिर जो अन्य मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच ठनी हुई है उन मुद्दों पर बातचीत होगी। इस बीच तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी ऑफिस के बाहर, एलजी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उपराज्यपाल का। बात अगर टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए तो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम पूरे विश्व में जाना जाता है अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए और वहां पर अपने शिक्षकों को भेजना चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार। मेरे सहयोगी बलराम पांडे एलजी आवास के बाहर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, तस्वीरें सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि वहां कौन कौन लोग मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के कौन से वो बड़े चेहरे आपको आज नजर आ रहे हैं जो कि मनीष सिसोदिया के उस बयान के बाद यहां पहुंचे कि एलजी साहब तो हर फाइल में अड़चन डालते हैं और अब तो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो गए एलजी साहब। तो शुरू हो गया है और एलजी हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से फिनलैंड जाने से शिक्षकों को रोका जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर शिक्षक वहाँ पर जाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आएंगे तो वो दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाएंगे और इसी मकसद से दिल्ली सरकार इन शिक्षकों को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेज रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की सह पर एलजी साहब इन शिक्षकों को बाहर जाने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एलजी हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन राजनिवास से एक ट्वीट आया है और उसमें साफ तौर से कहा गया है एलजी साहब की तरफ से कि किसी भी शिक्षक को बाहर जाने से हमने नहीं रोका है, किसी भी तरीके के इस तरीके के प्रपोजल को हमने कैंसिल नहीं किया है और अगर इस तरीके की खबर कोई फैलाता है तो वो झूठी और भ्रामक होगी। तो यानी एलजी दफ्तर से ये स्पष्ट कहा गया है कि हमने शिक्षकों के बाहर जाने वाली फाइल को कैंसिल नहीं किया है और अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो शिक्षकों को बाहर जाने वाली फाइल है उसे एलजी साहब ने कैंसिल कर दी है, यानी नामंजूर कर दी है, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी है।
यही वजह है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना, क्या कहेंगे, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आज एलजी साहब जो है शिक्षा पर भी वो जो है गंदी राजनीति करने लगे, शिक्षकों पर अत्याचार कर रहे हैं, विद्यार्थियों पर अत्याचार कर रहे हैं। एक शिक्षक जो है हमारे, वो इस देश का भविष्य है, विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। अगर शिक्षक बाहर जाएंगे तो आजकल जो नए नए एजुकेशन सिस्टम पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में नए नए एजुकेशन सिस्टम आ चुका है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आप, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एलजी साहब जो है शिक्षा की, जो हमारे शिक्षक हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों के, उन्होंने बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना था ताकि वहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं शिक्षा में, कैसे और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो वहाँ से सीख के ट्रेन होके आते और दिल्ली में इम्प्लीमेंट होता वो सिस्टम। पर एलजी साहब पता नहीं किस दबाव में आकर इस सब चीज़ों को रोक रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजनिवास से एक ट्वीट आया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जिन शिक्षकों को बाहर भेजने की बात कही जा रही है उनके प्रस्ताव को हमने कैंसिल नहीं किया है, तो फिर उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, सिर्फ ट्वीट से चल जाता है, ट्वीट से शिक्षा नहीं चलती, ट्वीट से देश नहीं चलता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि ये हमने ऐसे नहीं किया, हर चीज में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, अब करो। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनको क्या दर्द हो रहा है। एलजी साहब ने हर चीज में अड़ंगा लाना, हर चीज में ब्रेक लगानी है, क्यों भाई, आप काम करने दो ना। शिक्षा में अगर काम करना चाह रही है, मनीष जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, तो उसको रोक क्यों रहे हो। यानी आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इस ट्वीट को नहीं मानते हैं क्या। आज राजनिवास से एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों को बाहर भेजने का जो प्रस्ताव है उसे हमने कैंसिल नहीं किया है। कैंसिल नहीं किया, जाने दीजिए, क्यों रोका जा रहा है उन्हें बाहर जाने से। बाहर जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, बच्चों को कुछ सिखाएंगे तो बच्चे भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ये मनोबल तो तोड़ा जा रहा है ना शिक्षकों का, बस इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन राजनिवास की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमने इस तरीके के किसी भी प्रस्ताव को नहीं रोका है, हम तो अभी इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने नहीं रोका तो जाने भी नहीं दे रहे हैं। अगर इन्होंने मतलब इस तरह के रोक लगा दी उस पर कि ना तो वो जा सकते हैं और ना ही इनकी तरफ से रोका गया है, तो अगर इस तरह के शिक्षकों की जो हमारी ट्रेनिंग है उसको रोकने से आखिर नुकसान किसका है। आप लोग क्या सर, ये ऐसे ही बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। लिखित में बाकायदा लिखित में कहा गया है हर चीज सीएम साहब की रोकी जाती है। हमारे शिक्षकों को जो जिन्होंने रिजल्ट दिल्ली का 99% 6 दिया, बच्चों को आगे लाए शिक्षा में, और आज हमारे सभी जो 1100 शिक्षक थे बाहर स्विट्जरलैंड में जाने वाले थे उनको रोका, उनकी ट्रेनिंग को रोका, लिखित में रोक रखा है। भैया कहने से कुछ नहीं होता, हमेशा झूठ बोलते हैं। इन्होंने हर वो काम रोका, अगर ये क्यों रोकते हैं एलजी साहब, हमारे सीएम साहब जो जनता से चुने हुए आए हैं, तो फिर उनका क्या काम है, उनकी क्यों नहीं चलने देते। कोई भी काम हो, चाहे वो डोर स्टेप डिलीवरी है, योगा है, हर किसी की फाइल को रोका हुआ है एलजी साहब ने, हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहने से तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, कहने में कुछ भी नहीं होता, हर बात को झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, हर बात में झूठ 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 और कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि वो जब तक शिक्षकों को फिनलैंड जाने की इजाजत नहीं दी जाती है तब तक उनका प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रहेगा। देखिए, आज आम आदमी पार्टी आज इस विषय पर प्रोटेस्ट कर रही है, बेहद शर्मनाक है। एलजी साहब जी, आप जवाब दीजिए, जब दिल्ली के बच्चों को शिक्षित करने का अरविंद केजरीवाल जी और हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जब यहाँ के सरकारी टीचरों को विदेश भेजने का निर्णय लिया और वो फाइल आपके पास भेजी, तो आप उस फाइल पर आप कुंडली मारकर बैठ गए हैं
और आप उन टीचरों को विदेश नहीं जाने दे रहे, तो आप ऐसा अत्याचार दिल्ली के बच्चों के साथ में क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के बच्चों को शिक्षित होने दीजिए, जब दिल्ली के बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली अनपढ़ रहे? अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसी सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों का को बेहतर किया और यहाँ पर जो शिक्षा है वो बेहतर की बच्चों के लिए, तो आप उन फाइलों पर साइन करके हमारे टीचरों को जाने से मत